इस वीडियो में मैं सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने सेकेंडरी एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए सबसे पहली कमेटी कौन बनाई थी इंडिपेंडेंस के बाद। फोर ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ताराचंद कमेटी इसका राइट आंसर है। ताराचंद कमेटी का काम ये था कि सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को इवेलुएट करना और इवेलुएट करने के बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लेवल को ऊपर उठाना। इंडिपेंडेंस के बाद सेकेंडरी एजुकेशन पे सबसे पहला कमीशन कौन बनाया गया। ऑप्शन बी मुदालियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन कब किया था। ऑप्शन ए 23 सितंबर 1952। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब सबमिट की थी। ऑप्शन डी 29 अगस्त 1953 को। इस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है वो किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ऑप्शन बी मद्रास यूनिवर्सिटी। जो मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें कितने चैप्टर्स थे और पेजेस थे। ऑप्शन डी 14 चैप्टर्स थे और 244 पेजेस थे। मुदालियर कमीशन ने कितने वर्किंग डेज जो है स्कूल के लिए फिक्स्ड किए हैं एक साल में। 200 वर्किंग डेज। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 2 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी में क्लास 6, 7 और 8 क्लास को रखा है और दूसरी कैटेगरी में क्लास 9, 10, 11 और 12 को रखा है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसके करिकुलम में कितने सब्जेक्ट्स को रखा है। ऑप्शन बी 8 सब्जेक्ट्स हैं। वो 8 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। 8 सब्जेक्ट्स हैं मदर टंग, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, फिजिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने किसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की है जो सेकेंडरी एजुकेशन के करिकुलम के लिए कॉमन पॉलिसी और प्लान बनाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑल इंडिया एडवाइसरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो ऑप्शंस में सजेशन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो सजेशन है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अंदर आता है। पहला सजेशन है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का विकास करना, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप मतलब ये होता है स्टूडेंट्स जो हैं सोसाइटी में रहने वाले डिसेबल लोगों के साथ अच्छी तरह रह सकें, उनके अंदर से जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो, टेररिज्म जैसी चीज़ों से वो दूर रहें, अपने मुल्क और मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ प्यार से रहें। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनली जो है बच्चे का विकास किया जाए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ये तीनों ही रिकमेंडेशन दिए थे इसलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट है। वोकेशनल एजुकेशन के लिए टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट का रिकमेंडेशन किसने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मुदालियर कमीशन ने सजेशन दिया था कि हायर सेकेंडरी लेवल पे किस तरह के स्कूल जो है ओपन किए जाने चाहिए। कॉमन स्कूल, टेक्निकल स्कूल, मल्टीपर्पज़ स्कूल या फिर को एडुकेशनल स्कूल। ऑप्शन सी मल्टीपर्पज़ स्कूल। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग किस एज तक के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल मूवमेंट्स और इलेक्शन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना इलीगल होना चाहिए। ऑप्शन बी 17 ईयर्स। किस कमीशन ने रिकमेंड किया कि स्कूल हेल्थ सर्विस स्कीम जो है स्कूल्स में चलानी चाहिए। ऑप्शन सी मुदालियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो की एस्टेब्लिशमेंट की बात किसने कही है। ऑप्शन ए मुदालियर कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने किस पर्पज़ के लिए आर्बिट्रेशन बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट की बात कही है। ऑप्शन ए है जो स्टूडेंट्स की शिकायतें हैं उस पर विचार करने के लिए। ऑप्शन बी है जो टीचर्स की शिकायतें हैं उस पर विचार करने के लिए। ऑप्शन सी है जो एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायतें हैं उस पर विचार करने के लिए। ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स और टीचर्स की जो भी शिकायतें हैं उस पर विचार करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की जो सजेशन है उसके अकॉर्डिंग सही है। पहला ऑप्शन है सेकेंडरी जो एजुकेशन है वो 7 ईयर्स की होगी क्लास 5 से लेके क्लास 11 तक के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन
11 से 17 इयर्स तक के जो भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके लिए होगी। लर्निंग पीरियड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने जो इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए रिकमेंडेशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सही है। ऑप्शन ए है क्लास 11th को सेकेंडरी एजुकेशन में ऐड किया जाए, क्लास 12th को डिग्री कोर्स में ऐड किया जाए। ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट क्लास को ख़त्म किया जाए, फिनिश किया जाए। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए हैं। ऑप्शन ए है नंबर्स की जगह पे ग्रेड्स देने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होने चाहिए, जो एसे टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आज का जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स है, वो कल का नागरिक होगा और नेता होगा, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस कमीशन की रिपोर्ट को बाइबल फॉर टीचर्स कहा जाता है? ऑप्शन बी, जो मुदालिर कमीशन की रिपोर्ट है उसको बाइबल फॉर टीचर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने किस कोर्स को ऐड करने का सजेशन दिया था? फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए एमएड। जो मुदालियर कमीशन था, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, उसने टीचर्स के लिए क्या क्या सजेशंस दिए थे? सबसे पहला ऑप्शन है कि जो टीचर्स की रिटायरमेंट एज है 58 ईयर्स, उसको बढ़ा करके 60 ईयर्स कर देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, जो भी टीचर्स हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन नहीं देना चाहिए बच्चों को। प्राइवेट ट्यूशन देते हैं टीचर्स तो वो क्लास में चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को ज़्यादातर चांसेस होता है कि अच्छे से नहीं समझाते हैं। जो भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो टीचर्स ट्रेनिंग है, वो कम से कम एक साल की होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन डी। ऊपर के सारे ऑप्शन राइट हैं, ये सारे रिकमेंडेशंस दिए थे इस कमीशन ने। इस कमीशन से जो भी एक्सपेक्टेड MCQs बन सकते थे उसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो राधा कृष्णन कमीशन से रिलेटेड थी, और अब इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो कोठारी कमीशन से रिलेटेड होगी। कोठारी कमीशन से जो भी एक्सपेक्टेड MCQs बन सकेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी कोठारी आयोग पे होगी।